हेलो फ्रेंड आज हम डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे कंपनी के ब्रांड्स के बारे में जानेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और भी बहुत कुछ कंपनी से रिलेटेड चीजें जानेंगे तो वीडियो को बिना स्कीप किए एंड तक पूरा देखे ताकि आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस न हो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जानते हैं कंपनी के बारे में डाबर इंडिया लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया था डॉक्टर एस के बर्मन ने कोलकाता में इन 1884 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी इन द ईयर 1936 में अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कंपनी इंडिया की एक लीडिंग एफ प्लेयर है इन कंज्यूमर केयर एंड फूड प्रोडक्ट में कंपनी मेनली डील करती है हेल्थ केयर पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट बिजनेस में सालों से कंपनी ने फोकस किया है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जिसमें उसने टारगेट किया है मास कंज्यूमर सेगमेंट को बहुत से पर्सनल केयर प्रोडक्ट आयुर्वेदिक टॉनिक्स और ओरल प्रोडक्ट जिसे कंपनी ने लॉन्च किया है ओवर द ईयर सभी लीडिंग ब्रांड्स हैं उनके रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स में कंपनी ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट को सौ ऐसी ज्यादा देशों में जिसमे वो कवर करती है हेल्थ एंड पर्सनल केयर सेगमेंट को इन हर्बल एंड नेचुरल स्पेस में कंपनी के इंडियन एफ पोर्टफोलियो में सेवन मेजर ब्रांड्स इंक्लूडेड हैं जिसमें डाबर आमला डाबर चवन प्राइस डाबर हनी हनी टस हरा डाबर लाल तेल और डाबर रियल शामिल है कंपनी के पास 20 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 12 इंडिया में लोकेटेड है और बाकी आठ ओवरसीज में लोकेटेड है जिसमें शामिल है यूएई, साउथ अफ्रीका श्रीलंका इजिप्ट टर्की नेपाल नाइजेरिया और बांग्लादेश कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्ड किया है जिसमें कंपनी के पास 6.9 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। इंडिया में आज ऑफ मार्च 2021 में अगर कंपनी की एक्विजेशन की बात करें तो 2005 में कंपनी ने बल्सारा ग्रुप की तीन कंपनियों को एक्टर किया था और वैल्यू ऑफ वन करोड़ जिसमे बहुत से ब्रांड भी शामिल है जैसे कि प्रोमिस बबूल और मेसवक ओरल केयर सेगमेंट में और ओडोमस ओडोनिल और ओडोपिक होम केयर सेगमेंट में 2009 में कंपनी ने आक्योर किया था फ्रेम केयर फार्मा लिमिटेड को फॉर ए वैल्यू ऑफ 260 करोड़ फ्रेम केयर फार्मा मैन्युफैक्चर करती थी कंज्यूमर प्रोडक्ट को जैसे कि ब्लीच लिक्विड सोप और हेयर रिमूविंग क्रीम को अंडर द ब्रांड फ्रेम और फैब्रिक शॉर्टनर एंड स्टेन रिमूवर को अंडर द ब्रांड बॉम्बी इन फिजिकल ईयर टू में कंपनी ने कम्प्लीट किया था उसके दो ओवरसीज को जिसमें शामिल है होबी जिसे उसने किया था अक्टूबर 2010 में जो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर है हेयर केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट की टर्की में और दूसरी थी नमस्ते लैब जिसे उसने एक्योर किया था जनवरी 2011 में जो फोकस करती है हेयर केयर प्रोडक्ट में और उसकी प्रेजेंस है यूएसए अफ्रीका मिडल ईस्ट यूरोप और कैरिबियन रीजन में अप्रैल 2018 में कंपनी ने कंप्लीट किया था एक्विजेशन ऑफ अफ्रीकन ब्रांड लॉन्ग एंड लास्टिंग को फ्रॉम डी एंड ए कॉस्मेटिक प्रोपर्टरी लिमिटेड और अटलांटा बॉडी एंड हेल्थ प्रोडक्ट प्रोपेट्री लिमिटेड से जिसकी वैल्यू 24 करोड़ थी और साथ ही कंपनी एंटर हुई थी एक एग्रीमेंट में विथ सी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जिसकी वैल्यू नाइन करोड़ थी जिसमे कंपनी ने अक्योर किया था कुछ एसेट को जिसके चलते कंपनी के पास मालिकाना हक था उसके पर्सनल केयर प्रोडक्ट को बेचने का अगर कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो हेल्थ सप्लीमेंट सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है डाबर चमन प्राइस डाबर हनी डाबर ग्लूकोज डाबर इम्यूनिटी किट जैसे प्रोडक्ट को डाइजेस्टिव सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है डाबर हाजमोला पुदीन हरा डाबर नेचर केयर रेगुलर जैसे प्रोडक्ट को ओरल केयर सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है डाबर रेड पेस्ट डाबर मेसुआक डाबर बबूल डाबर लाल दंत मंजन डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट जैसे प्रोडक्ट को हेयर ऑयल सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है आमला वाटिका एलमंड डाबर अनमोल गोल्ड कोकोनट ऑयल जैसे प्रोडक्ट को स्किन केयर सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है डाबर गुलाबरी ऑक्सी ब्लीच फेम नेचुरल गोल्ड ब्लीच जैसे प्रोडक्ट को ओ एंड एथिकल सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है एनर्जाइजर कप एंड कोल्ड डाबर अशोक रिश्ता डाबर लाल तेल डाबर लुहासावा सावा डाबर आमला जूस जैसे प्रोडक्ट्स को शैम्पू सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है एलमंड शैम्पू वाटिका हेल्थ शैम्पू वाटिका ब्लैक शाइन शैम्पू वाटिका एंटी डायन शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स को फूड सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है रियल रियल एक्टिव 100% परसेंट जूसेस होम जैसे प्रोडक्ट्स को होम केयर सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है ओडोमोस ओडोनिल सैनी फ्रेश ओडोपिक जैसे ब्रदर्स को अगर कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिक्स देखे तो कंपनी का 62 परसेंट रेवेन्यू कंज्यूमर केयर बिजनेस से आता है कंपनी का 9.3 परसेंट रेवेन्यू फूड एंड बीवरेजेस बिजनेस से आता है कंपनी का 26.4 परसेंट रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस से आता है कंपनी का बाकी टू रेवेन्यू अदर ऐसी आता है अगर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट सेगमेंट देखे तो हेयर केयर सेगमेंट से कंपनी का 18.8 परसेंट रेवेन्यू आता है ओरल केयर सेगमेंट से कंपनी का 18.3 परसेंट रेवेन्यू आता है स्किन केयर सेगमेंट से कंपनी का 5.2 परसेंट रेवेन्यू आता है होम केयर सेगमेंट से कंपनी का 5.6 परसेंट रेवेन्यू आता है हेल्थ सप्लीमेंट सेगमेंट ऐसी कंपनी का ट्वेंटी रेवेन्यू आता है डाइजेस्टिव सेगमेंट ऐसी कंपनी का फाइव पॉइंट परसेंट रेवेन्यू आता है ओटिसिया नेथिकल सेगमेंट से कंपनी का 10 परसेंट रेवेन्यू आता है फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट से कंपनी का 13.1 परसेंट रेवेन्यू आता है अगर कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस रेवेन्यू बाय जियोग्राफी देखिए तो कंपनी का एशिया से 22.8 परसेंट रेवेन्यू आता है कंपनी का अमेरिका से सिक्सटीन रेवेन्यू आता है कंपनी का यूरोप ऐसी थर्टीन रेवेन्यू आता है कंपनी का अफ्रीका ऐसी 21.9% परसेंट रेवेन्यू आता है कंपनी का बाकी 25.3% परसेंट रेवेन्यू मिडल ईस्ट से आता है अब जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्टर अमित बर्मन मिस्टर मोहित बर्मन मिस्टर आदित्य बर्मन डॉक्टर अजय दुआ मिस्टर अजीत मोहन सारन मिस फाल्गुनी नायर मिस्टर मोहित मल्होत्रा मिस्टर मुकेश बुटानी, मिस्टर पी डी नारन मिस्टर पी एन विजय मिस्टर आरसी भरगाव डॉक्टर एस नारायण मिस्टर सकेत बर्मन शामिल हैं। अब जानते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में प्रमोटर के पास कंपनी का 67.36 परसेंट स्टेक है पब्लिक के पास कंपनी का 7.87 परसेंट स्टेक है डी के पास कंपनी का 3.41 परसेंट स्टेक है एफ के पास कंपनी का 21.35 परसेंट स्टेक है प्रमोटर का जीरो स्टेक प्लेज है जो एक अच्छी साइन है किसी भी कंपनी को लेके आप जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू इन लास्ट फाइव ईयर्स में फोर पॉइंट फाइव परसेंट सी एच जी आर ऐसी ग्रो हुआ है कंपनी का कंसोलिडेटेड इबीडीटा इन लास्ट फाइव ईयर्स में फाइव पॉइंट एट परसेंट सी एच ऐसी ग्रो हुआ है कंपनी का कंसोलिडेटेड इबीडीटा मार्जिन इन लास्ट फाइव ईयर्स में एवफ नाइनटीन परसेंट रहा है कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट फाइव ईयर्स में फाइव पॉइंट सेवन परसेंट सी एच जी आर ऐसी ग्रो हुआ है। हुआ है कंपनी का कंसोल मार्जिन इन लास्ट अब मेंिक्सीन परसेंट रहा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे आप वीडियो चाहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग